जय महावीर। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पर्युषण का पावन पर्व आपके जीवन में सुख शांति पावनता और शीतलता लाए, यही मंगल कामना करती हूँ एवं सभी तपस्वियों को सुख साता पूछती हूँ। हमारे साथ अनुभवी समाज रत्न श्री हीरा लाल जी हैं, जिनसे हम अपने मन में उठ रहे सवालों का समाधान प्राप्त करेंगे। सर, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सर मेरा ये प्रश्न है कि हमें जो बोला जाता है कि पर्युषण के इस पर्व में स्वाद पे अपना स्वाद इंद्रियों पे अपना वश करें या और भी बहुत सारी अपनी इंद्रियों का उनको दमन करें, तो आज का ये मेरा प्रश्न है कि सर हमें अपनी इंद्रियों का दमन करना चाहिए या हमें अपनी इंद्रियों को विकसित करना चाहिए? आज मेरी अजीज़ा ने एक प्रश्न किया है कि इन महापर्व पर्युषणों में इंद्रियों को वश में करना चाहिए या विकसित करना चाहिए। तो ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है और जीवन को अगर समझ जाएं तो कल्याणकारी है। इस दिनों में मैं कभी नहीं कहूँगा जो मेरी तुच्छ बुद्धि कहती है कि इंद्रियों को वश में करना चाहिए। वश का मतलब ये है कि इंद्रियों को विकसित कैसे करें कि हम दुनिया को अच्छी तरीके से जान सकें, अच्छे सलीके से इनसे बर्ताव कर सकें, इसलिए हमें इसे जानना है। तो इंद्रियों को विकसित करने का मकसद है महावीर की वाणी में। महावीर कहते हैं कि इंद्रियों को इतना विकसित करो, इतना डेवलप करो और इसके तत्व को जानो, तभी आप संसार के हर चीज़ को पहचानोगे, जानोगे और फिर जीवन की साधना के लिए अग्रसर होगे। मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि आज ज़माने में विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग में आप ज़रा अंतःकरण से सोचें कि साइंसदानों ने अपनी खोज से चंद्रमा तक, मंगल तक और ग्रहों तक पहुंचने का प्रयास किया है और वहाँ पे अपने रॉकेट भी फिट किए हैं। आप ज़रा सोचो कि उनके पास ऐसे कैमरे हैं जिसमें लेंस लगे हैं और रेज जो है वहाँ से देते हैं तो चंद्रमा से फ़ोटो नीचे आ रही हैं। क्यों? आप ज़रा इसको चिंतन करो कि अगर आर्टिफिशियल लेंस से, आर्टिफिशियल रे से इतनी दूर से भी हम सब कुछ देख सकते हैं, तो आपके पास तो आँख में इससे ज़्यादा सूक्ष्म आज तक वर्ल्ड में ना लेंस पैदा हुआ है ना होगा। ये तो विज्ञान के सभी प्रसिद्ध जो खोजी हैं वो कह सके हैं कि हमारा इंसान की आँख से बड़ा कोई लेंस नहीं है और आत्मा से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है। तो क्या कारण है कि हम उस प्रकाश से अपने लेंस द्वारा सारे ब्रह्मांड को नहीं देख रहे और सारी हकीकत को नहीं पहचान रहे? तो महावीर हमेशा यही कहते हैं कि हे गौतम, अपनी आँखों को इतना विकसित करो, आत्मा और आँखों के दर्शन के बीच में जितने भी रुकावटें हैं, जितने भी दोष हैं, उसको निकाल दो तो आप यहाँ बैठे सारे ब्रह्मांड को देख सकोगे। इसी तरह इतना विकसित कर लो कानों को कि आप ना तो प्रभावित हों जब आपकी प्रशंसा हो और ना ही दुखी हों जब आपकी निंदा हो, तो ये भी एक विकसित होने का एक सलीका है। वाणी में कभी ये ना कसम खानी पड़े कि मैं सत्य ही बोलूँगा, ये भी कसम ना खानी पड़े कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। स्वतः आपके अंदर से इतनी शुद्धता आ जाए कि स्वतः सत्य ही निकले, झूठ निकले ही ना, झूठ बोलना ही ना पड़े और सत्य के दर्शन आपके मुखारबिंद से हमेशा ही हर जीव को मिलते रहें, दिखते रहें। ये विकसित होने के एक सलीके हैं। हम विकसित करते नहीं हैं, हम कहते हैं कि इन पे दमन करो, ये करो, वो करो। नहीं,
मैं तो यही कहता हूँ, ये जो पावन पर्युषण पर्व है इसमें आप प्रयास करो कि बिटवीन आत्मा के और हमारी इंद्रियों के जो भी गलत मलम्मे छाए हुए हैं, गलत रुकावटें हैं और गलत दोष हैं, जहाँ से हमें प्रकाश जो है वो इन इंद्रियों तक नहीं पहुँचता आत्मा का, उसको दूर करने का प्रयास करो। इसीलिए साधना, स्वाध्याय, चिंतन, इसीलिए कहा है इन दिनों में रसों से मुक्त रहो, अपनी व्यवहारिक जीवन से थोड़ा मुक्त रह के इस पर खोज करो और इस कोशिश करो कि आपकी सेंसेस जो हैं इतनी विकसित हो जाएं, जब आप पर्युषण पर्व संवत्सरी के बाद अपने जीवन के उस भ्रमण में जाओ और उस वक़्त इस चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और फिर आप देखेंगे कि जीवन के हर पल जो हैं वो स्वच्छ निकलेंगे, कर्मों की निर्जरा होगी और नए पाप कर्म के बंधन नहीं होंगे। अगर आप इन दिनों में अपनी इंद्रियों को विकसित करके जान के इसकी जो रुकावटें हैं वो दूर करके, चाहे वो रुकावट अहंकार है, चाहे राग है, चाहे द्वेष है, चाहे घृणा है, चाहे आकांक्षाएं हैं, चाहे वासनाएं हैं, इनसे ज़रा मुक्त होकर देखो, ये सारे दोष हमारे बिटवीन आत्मा के और सेंसेस के बीच में हैं, इनको दूर करने का प्रयास करो। सबसे बड़ी आपकी ये पर्युषण आपके लिए लाभदायक भी होंगे और जीवन में एक साधना के साधक भी, भगवान महावीर ने भी साधना की 12.5 साल लगातार, और मैं तो सुन सुन के भी आचार्य श्री आत्माराम जी से, महाराज जी से ये हैरान होता था कि 12.5 साल में लगातार 359 दिन ही भोजन किया है, ये कमाल की बात है। फिर मैंने उनसे पूछा कि भगवान महावीर ने कहीं काशना, बेला, तेला, चौला, पंजौला या ठाई कहीं की है, वो कहते थे कि वो ध्यान में इतने मस्त हो जाते थे कि उनको बोध ही नहीं रहता 5 दिन बाद 10 दिन बाद 8 दिन बाद हम उठें और उठ के चल पड़े जब ध्यान टूटा। आप इमेजिन करो कि 12.5 साल में 48 घंटे अर्ध मुद्रा में नींद ली उन्होंने, वो भी खड़े होके तन्ना जो है जल के बिना ही उन्होंने ये साधना की है। हम भी साधना करते हुए, तप करते हुए ये सोचें कि हमें बोध ना रहे कि हमने अमुक समय के लिए किया है वो, और इस तरह से आगे बढ़ें कि हमें जीवन की हकीकत झांकी जो है नज़र आने लग जाए, जीवन के निर्वाह के लिए हमें रास्ता और दिशा मिलनी शुरू हो जाए। और ये दिशा कहाँ मिलती है? जिन्होंने महावीर की वाणी को अपनी निकट से साधना में, स्वाध्याय में पढ़ा है, देखा है और अपना चरण में ढाला है, उनसे ही मिल सकती है। और आपको खुशी है कि लुधियाना में ख़ास तौर पे सारे हिंदुस्तान में कितने चतुर्मास उन मुनियों के हैं, उन संतों के हैं जिन्होंने महावीर की इस वाणी को अपने जीवन का हिस्सा नहीं, मुकम्मल प्रयत्न करके ये संकल्प लिया है कि हम भी उनके बताए हुए रास्तों को चलेंगे और उस पर आचरण करेंगे। और आचरण करते हुए वो चतुर्मास में जहाँ जहाँ पधारें वहाँ वहाँ लोग उनसे फ़ायदा लें और उनके चरणों में जाके उनसे जो पूंजी उन्होंने इंसानियत की, रूहानियत की इकट्ठी की है उनको सुने और उस पर अमल करें। यही जीवन की साधना है, यही पर्युषण पर्व का जो सत्य है, तत्व है, वो यही है। और लास्ट में जब संवत्सरी आए तो हम उस सम्मत को ऐसे गिनें कि जैसे सारे साल की, पिछले साल की भूलों को हम अंतःकरण से क्षमा मांगे उनसे जिनका मन दुखाया हो, या किसी कारण से उनको दुखी हुए हों तो उसके लिए क्षमा याचना का दिन है, उससे बड़ा दिन कोई नहीं है। ये कहें, दो शब्द मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि पिछली भूलों के लिए
क्षमा याचना करना और दोबारा भूल ना कहो पर्युषण पर्व में ऐसा यत्न करना कि ऐसा संकल्प करना कि ये जो भूलें हुई हैं अब प्रयास करूँगा, संकल्प लूँगा कि आगे से मेरे से भूल ना हो। संवत्सरी के दो ही मतलब हैं, गत वर्ष में कोई भी भूल हुई हो या आने वाले भविष्य में मेरे से कोई भूल ना हो, इसको साधना में तप में संयम में डालकर जो संजोते हैं और संकल्प लेते हैं संवत्सरी और पावन पर्युषण, उसके लिए जीवन की राह बन जाते हैं, आशीर्वाद बन जाते हैं और उनका जीवन हमेशा ही सतयुगी बन के रहता है। यहाँ पे चाहे लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, मगर माफ़ करना, मैंने जो इसका अपनी ओर से जो मेरे मस्तिष्क में बात आई है, ये कलयुग शब्द तो अब का है, पहला शब्द इसका कलायुग था। कलायुग तो ऐसा है कि या तो विज्ञान इतना विकसित होगा, नई सी नई कलाएं आएंगी, और या नए से नए कला क्लेश उत्पन्न होंगे। कलयुग का मतलब कला का युग है। हम दोनों से किस तरह बचें कि ना ही हमें कोई क्लेश आए, ना ही द्वेष आए, और ये जो साधन बन रहे हैं इनको जीवन में साधन का प्रयोग करते हुए एक ही बात का ध्यान रखें कि हम सिद्धि की ओर जाना है, शुद्धि की ओर जाना है, ना कि सुविधाओं की ओर जाना है। मेरा यही आपसे प्रार्थना भी है, निवेदन भी है। मैं जो भी कहता हूँ मेरे अंतःकरण से, वो आत्माराम जी महाराज की मेहरबानी से, उनकी कृपा से बोल निकल आते हैं। ना तो मैं इतना ज्ञानी हूँ, ना ही मेरे पास इतना ध्यान है, मगर उन गुरुओं के चरणों में बैठ के जो मैंने सीखा है मैं अपनी जबान से आप तक लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं फिर आत्मा चैनल के सभी संयोजकों को और ख़ास तौर पे विनोद जैन को बधाई देता हूँ कि मेरे मन की आवाज़ जो आत्म के साथ जुड़ी थी उसी को आत्मा के रूप में उन्होंने ये जो पेश किया है, इसके लिए दिलों जान से अंतःकरण से उनको बधाई देता हूँ। अभी आपने देखा और सुना समाज रत्न श्री हीरा लाल जी को कि हमें कैसे अपने इंद्रियों का विकास करना चाहिए इन पावन पर्युषण पर्व में, और इनको विकसित करके अपने जीवन के आचरण में उतार कर आत्म शुद्धि करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नए प्रश्नों के साथ। जय महावीर।